नमस्कार, मैं कुलदीप चौधरी, इंडियन हेल्थ कंसल्टेंट से। आज एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर आपसे बात करनी है। पिछले काफ़ी समय से, इनफैक्ट 2016 से ही इंडियन हेल्थ केयर को भारतीय मीडिया के अंदर एक विलेन के तौर पे पेश किया जा रहा है। अक्सर मरीजों की ये शिकायत होती है कि हमें प्राइवेट अस्पतालों में बहुत ज़्यादा पैसे देने होते हैं और मीडिया इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। आपको याद होगा, फोर्टिस अस्पताल में 15 दिन में 15 लाख का बिल बन गया था डेंगू पेशेंट का, जिसको लेकर के पूरे देश की जनता के सामने ये प्रचारित किया गया कि अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। जनता के मन में ये एक तरफा प्रचार इसलिए भी कामयाब हो रहा है क्योंकि अस्पतालों ने कभी भी अपनी कॉस्टिंग के बारे में जनता को अवगत कराने का प्रयास ही नहीं किया है। आज मैं YouTube पे ढूंढ रहा था कि कोई मुझे वीडियो मिल जाए जिसमें ये बताया गया हो कि हमारी हेल्थ केयर की कॉस्टिंग आखिर होती किस तरह से। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला। अभी कल ही की घटना है, दिल्ली के एक बहुत ही नामी गिरामी ENT विशेषज्ञ के खिलाफ एक दंपत्ति ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है कि उन्होंने अपने 4 साल के बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन कराया और जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर साहब को 8.5 लाख रुपए भी दिए। ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने अपनी क्लिनिक में ही किया और ऑपरेशन के एक महीने के अंदर ही मस्तिष्क में इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे की असमय मृत्यु हो गई। दंपत्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा है, पर हमें इसमें यह भी सोचने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा ऑपरेशन जिसका खर्चा 8.5 लाख रुपये है, उसके लिए एक मरीज़ क्लिनिक में ऑपरेशन कराने को आखिर क्यों तैयार हो जाता है। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें इम्प्लांट ही तकरीबन 7.5 लाख रुपए का आता है। ऐसे में अगर उस ऑपरेशन को एक क्लिनिक में किया जाए तो खर्चा 8.5 लाख रुपए, लेकिन यही ऑपरेशन जब एक अस्पताल में किया जाएगा तो खर्चा करीब 10 लाख रुपए पहुंच जाता है। यही 1.5 लाख रुपए बचाने के लिए शायद हम लोग तैयार हो जाते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन भी हम एक क्लिनिक में करवा लेंगे। इसके लिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि अगर अस्पताल में उसी ऑपरेशन का खर्चा आखिर दुगना क्यों हो जाता है। इसके लिए आपको अस्पताल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। मरीज तो उन सुविधाओं को, उन चीज़ों को जो अस्पताल के बैकग्राउंड में होती हैं, जो सामने नज़र नहीं आती, उनको जाकर के देख नहीं पाते। तो ये अस्पतालों का फ़र्ज था कि वो मरीज़ों को बताते कि वो चीज़ें जो आपको सामने नज़र नहीं आती लेकिन जिनकी वजह से ऑपरेशन की सुरक्षा, ऑपरेशन की कामयाबी बढ़ जाती है, आखिर उनका क्या खर्च है। और एक अस्पताल का बिल अगर 2 लाख 2.5 लाख रुपए एक ऑपरेशन का बनता है तो आखिर वो क्या खर्चे हैं, क्योंकि मरीज़ अक्सर यही कहते हैं यही ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में 1 लाख रुपए का हो जाता है। तो ये जो 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आता है, ये आखिर किन वजहों से आता है। हम एक के बाद एक वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को हेल्थ केयर की गहराई से समझ हो सके और वो क्वालिटी के बारे में ज़्यादा जागरूक हो सकें, अवगत हो सकें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे CSSD के बारे में। अस्पतालों में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो OPD में हो, माइनर ऑपरेशन थिएटर में हो, या फिर मेन सर्जिकल थिएटर में हो, एक मरीज पर इस्तेमाल होने के बाद उन इंस्ट्रूमेंट्स का, उन औजारों का, चाहे वो कैंची हो, चाकू हो, जो भी फोर्सेप हो, उनको आप दूसरे मरीज पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक ऑपरेशन के बाद में आपको स्टरलाइज करना होता है। तो स्टरलाइजेशन आखिर है क्या? जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी औजार को इस्तेमाल कर चुके होते हैं तो सबसे पहले उसे ले जा कर के साफ करना होता है, जिसे हम क्लीनिंग बोलते हैं। क्लीनिंग का मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट पर लगा हुआ खून, किसी भी प्रकार का कोई भी टिश्यू, उसको पानी से धोकर अच्छे से साफ किया जाता है, फिर उसे पोंछ दिया जाता है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है जब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके लिए उन्हें साबुन से या किसी भी प्रकार के केमिकल से धोया जाता है ताकि उस पर मौजूद किसी भी प्रकार का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाए।
लेकिन डिसइन्फेक्टेंट से सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाएं ये संभव नहीं है। इसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है उसे स्टरलाइजेशन बोलते हैं। इसे हमें समझने की ज़रूरत होगी। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि एक डॉक्टर साहब बैठे होते थे, उनके पास एक केरोसिन का स्टोव जल रहा होता था, उस पर एक बर्तन में पानी रखा होता था और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स उबल रहे होते थे। ये स्टरलाइजेशन का ही प्रोसेस था, लेकिन जब आप पानी में इंस्ट्रूमेंट्स को उबालते हो तो वो स्टरलाइजेशन होता है 100 डिग्री टेम्परेचर पर, लेकिन ये स्टरलाइजेशन नहीं है। स्टरलाइजेशन के तीन इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। पहला पहलू होता है प्रेशर। जब आप पानी में उबालते हो इंस्ट्रूमेंट्स को तो प्रेशर नादारद होता है। दूसरा स्टेप होता है हीट यानी टेम्परेचर। जब पानी में इंस्ट्रूमेंट उबलते हैं तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 121 डिग्री का चाहिए, जो किसी भी खौलते हुए पानी में नहीं पहुंच सकता। और तीसरा स्टेप होता है समय। कितनी देर तक आप इतना प्रेशर बना करके रखेंगे और इतना तापमान बना करके रखेंगे, यहीं पर रोल आता है CSSD का। किसी भी आप बड़े अस्पताल में जाएंगे, 400 से 500 स्क्वायर फुट के एरिया में मशीनें लगी होती हैं। एक CSSD को बनाने का खर्चा तकरीबन 70-80 लाख से लेकर 1.5-2 करोड़ तक जाता है, जहां पर बहुत सारी मशीनों में ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं। ये जो मशीनें होती हैं इनमें पानी खोलने के बाद गैस जो बनती है, जो भाप बनती है, उस भाप में ये इंस्ट्रूमेंट्स 135 से लेकर 142 डिग्री के तापमान पर कम से कम आधा घंटा इनको स्टरलाइज किया जाता है। तभी हम कह सकते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स पर मौजूद तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट किए जा चुके हैं और अब इन इंस्ट्रूमेंट्स को किसी भी दूसरे मरीज पर सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मुझे बताइए कि इतना सारा तामझाम एक क्लिनिक में कहाँ से आएगा। हाँ, क्लिनिक में भी आप छोटा जो है ऑटोक्लेव रख सकते हैं। उस छोटे ऑटोक्लेव में भी प्रोसेस यही होता है, पर उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जा सकते, क्योंकि हर बार इस्तेमाल करने के बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स को आधे घंटे के लिए ऑटोक्लेव करना होता है और ये हमेशा एक छोटे से क्लिनिक में संभव भी नहीं हो पाता, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं होता एक मरीज से दूसरे मरीज के बीच में, न इतनी मैन पावर होती है। अब अगर एक अस्पताल 1 से 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पर कर रहा है, किसी भी मेट्रो शहर में 400 से 500 स्क्वायर फीट स्पेस में तो एक पूरा क्लिनिक बन जाता है, उतनी स्पेस एक CSSD को दे देना, और उसके बाद ये कैसे पता चले कि क्या उस अस्पताल में सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स ही ऑटोक्लेव किए जा रहे हैं या OPD के इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑटोक्लेव होते हैं। जाहिर है हर चीज़ की एक कीमत होती है। आज हम जरा सी बात के ऊपर बड़े अस्पतालों को गाली गलौज करने लगते हैं, उन्हें चोर लुटेरा बताने लगते हैं, लेकिन जब खुद को बीमारी आती है, चाहे मामूली सा एक सिरदर्द हो जो कि किसी भी MBBS डॉक्टर को दिखाया जा सकता है, एक क्लिनिक में भी उसका बहुत सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है, लेकिन हम भागते हैं तुरंत ही इन बड़े 5 सितारा अस्पतालों की तरफ। ये अस्पताल इसलिए नहीं बनाए गए थे कि आप उनमें जाकर अपने खराब गले का इलाज कराएं, हेडेक का इलाज कराएं या अपनी डिलीवरी वहाँ पर कराएं। ये तमाम अस्पताल टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। इनका मुख्य मकसद है हार्ट की सर्जरी करना, ब्रेन की सर्जरी करना। जब आप छोटी मोटी शिकायतों के लिए भी इन अस्पतालों की तरफ जाने लगते हैं, उसके बाद वहाँ आने वाले खर्च के लिए उन्हें गालियाँ देने लगते हैं, तो ज़रा सोच के देखिए कि ये कहाँ तक उचित है। आज हमने बात की है CSSD की। एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल या एक अच्छा अस्पताल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर अच्छी चीज़ की एक कीमत होती है। उस कीमत को जब तक हम उसकी क्वालिटी के साथ जोड़ करके नहीं देखेंगे, तो इसी तरह से भ्रामक मीडिया के चंगुल में फंस करके हम इन्हीं अस्पतालों को, इन्हीं डॉक्टरों को गालियां देते रहेंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग डॉक्टरी प्रोफेशन में जाना बंद कर देंगे, लोग अस्पताल बनाना बंद कर देंगे और भारत फिर से 1985 से पहले के उसी हाल में पहुंच जाएगा जब आपको दिल का एक ऑपरेशन कराने के लिए विदेश जाना पड़ता था, जो कि बहुत चंद ही अमीर लोग या हमारे राजनीतिज्ञ ही जा पाते थे,
बाकी तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार करना पड़ता था। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो बेल आइकॉन दबा करके इसे सब्सक्राइब करें। जब तक कि हम अगला वीडियो लेके नहीं आते, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शबा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।